नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि करारी हार के बाद आरजेडी ने कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं दल विरोधी गतिविधियों के कारण आरजेडी ने अपने कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने वाली राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने आरजेडी के कुल 11 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विश्वासघात करने वाले किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने पत्र जारी कर विधायक के अलावे पार्टी के जिलाध्यक्ष महासचिव सहित कई नेताओं को पार्टी से बाहर निष्कासित कर दिया है। इन लोगों को 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर निकाला गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय जनता दल कई सीटों पर बेहद मामूली वोटों के अंतर से हारने के बाद यह बड़ा फैसला पार्टी ने निर्णायक रूप से लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने दरभंगा के आरजेडी जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही रामनरेश यादव के साथ साथ कुल 11 ऐसे नेता हैं जिनको आरजेडी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। वहीं निकाले गए नेताओं में सारण के तरैया के पूर्व विधायक भी शामिल है। आपको बता दें कि दरभंगा के जिलाध्यक्ष रामनरेश यादव का वायरल ऑडियो क्लिप का भी जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में किया है, जिसमें आरजेडी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के खिलाफ भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।